अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिजवाना किचन एंड व्लॉग। तो आज हम बनाएंगे चिकन गोश्त भाजी, जिसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है और थोड़ी पालक की भाजी और थोड़ी सी सेपू की भाजी। पूरी गड्ढी नहीं डालूंगी मैं, दोनों भी आधा आधा डालूंगी। तो इसके लिए आप लोग देखिए मैं किस तरह बना रही हूँ चिकन गोश्त भाजी। पहले भी बनाई हूँ मैंने बड़े का गोश्त की गोश्त भाजी, वो भी मैंने पालक की भाजी और सेपू की भाजी डाल के बनाई थी। और ये है अमायरा, हेलो करो, हाय हाय। चलो अभी हम किचन में जाती हूँ, मैं किचन में ही खड़ी हूँ, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो देखिए आधी गड्ढी पालक है और ये आधी गड्ढी सेपू की भाजी है। और चिकन को मैंने अभी पानी में रखा है, अभी इसको धोऊंगी और आप लोगों को आगे का भी बताऊंगी। इसको भी मैं पानी में डाल के अच्छी तरह से 3-4 बार अच्छी तरह धो के ले लूंगी। और ये हरी मिर्ची, लहसुन, इसमें थोड़े से मैं खोबरे के किस का पाउडर डालूंगी और इसको पीस के ले लूंगी बारीक अच्छा। और ये 4 प्याज है, 2 टमाटर, ये सब मैं काटने के बाद ही आप लोगों को आगे का सब बताती हूँ। देखिए अभी मैं क्या करूँगी, प्याज को तो मैंने धो के ले लिया है फटाफट, प्याज काट के ना कढ़ाई में डालूंगी जल्दी जल्दी। मैंने गैस को चालू नहीं की है, प्याज के लाल होने तक मैं चिकन को धो लूंगी। अगर आपको गोश्त गला की बनाना है तो वैसे ही बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इसमें भाजी डालेंगे ना तो उसके साथ में हमको गोश्त भी डालना है, भाजी भी पकते जाएंगे और हमारा गोश्त भी गल जाएंगे, एक साथ दोनों काम होंगे। ये मेरा तरीका है खाना बनाने का, अभी आप लोगों का सबका अलग अलग होता है। इसी तरह से मैं चारों भी प्याज को काट के ले लूंगी, मैं आप लोगों को एक बार बता रही थी। गैस जला लेंगे धीमी आंच पे, ये भी लाल होते जाएंगे। और एक प्लेट में टमाटर भी काट के रख दूंगी, हरी मिर्ची और हरा धनिया को भी मैं पीस के ले लूंगी। और आज संडे है, कि अब्बा को खाने का था बड़े की गोश्त की चिकन दूंगा, तो मैंने सोचा मैंने रेसिपी भी नहीं डाली है ना, इसके लिए रेसिपी हो जाती है और अपना खाने का भी हो जाता है एक साथ दोनों का। इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच भर के तेल, भाजी में तेल अच्छा होना चाहिए। लाल होने दूंगी, ये मेरे पास खोबरा पाउडर है, भून के रखती हूँ इसको। ये डालूंगी मैं 1.5 चम्मच हरी मिर्ची और कोथमीर है, और ये 1.5 चम्मच भुना हुआ खोबरे का पाउडर, और लहसुन अदरक तो पिसा हुआ होता है तो वो मैं बाद में इसके अंदर, अभी हम इसको पहले पीस के ले लेंगे। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर टमाटर भी डालेंगे, दो कटे हुए टमाटर भी इसके अंदर अच्छी तरह से सॉफ्ट और नरम हो जाएंगे। चलो इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन 1/2 किलो गोश्त की कट डालेंगे, और ये कोथमीर हरी मिर्ची को मैंने और खोबरे को पीस के लिया था वो भी डाल देंगे।
मसाले को तेल में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम नमक, हल्दी डालेंगे इसमें, गरम मसाला पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच काली मिरी का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चाहिए, मसाले को अच्छा भून के लेंगे तेल में, आधा किलो चिकन को मैंने धो के ले लिया है, मसाले के साथ में हम चिकन को भी अच्छी तरह भून के लेंगे, मसाले का पानी है ये हम बाद में डालेंगे, इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ, थोड़ा बाद में डालते हैं, तो ढक्कन ढक के इसको अच्छी तरह पकने देंगे। और देखिए भाजी को मैंने है ना पानी में रख दिया है, मट्टी पूरी नीचे बैठ जाती है इससे, फिर भी मैं इसको चार पांच पानी से अच्छी तरह धो के लूँगी भाजी को, फिर इसमें भाजी भी डालेंगे, गोश्त भी गल जाएगा और भाजी भी हमारी अच्छी तरह पक जाएगी। इसको ढक्कन ढक देती हूँ, भाजी धो लेंगे, भाजी हमने धो ली है, इसके अंदर हम डाल देंगे भाजी, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और ये बच्चा हुआ पानी है ना मसाले का ये भी सब इसमें डाल देंगे, ढक्कन डाल देंगे और बीच बीच में मैं दो एक बार इसको ढक्कन हटा के हिला के भी लूँगी। तो देखिए भाजी हमारी मस्त वाली बन के तैयार हो गई, मैंने बीच में आप लोगों को बताया नहीं थी, पानी भी मैंने थोड़ा सा ही डाली, देखिए ज़्यादा पतली नहीं रखना है इसको, गाढ़ी गाढ़ी रखना है, एकदम मस्त बनी है। और एक तरफ देखिए मैंने रोटी भी बनाई हूँ भाजी के साथ खाने के लिए, और ये कुकर में चावल है। तो चलिए आप लोगों को मैं गैस बंद कर देती हूँ, आप लोगों को निकाल कर दिखाती हूँ, और आइए आप लोग भी मेरे साथ खाना खाने के लिए, अभी मैं भी बैठ रही हूँ खाना खाने के लिए। तो आप लोगों को मेरी ये भाजी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मस्त है, चलिए मैं इसको फोटो शूट करूंगी फिर खाना खाऊंगी। चिकन गोश्त भाजी की रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपी और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगी मैं आप लोगों को वापिस, बाय।